इतनी रिजल्ट भी होगा आपका हूरों वाला। तो डॉक्टर साहब ऐसी बात है मतलब नहीं, एक चीज ये मेरा अपना ईमान है पूरा का पूरा, ये मेरा अपना ईमान है। हूरों का क्या हिसाब किताब है? देखिए उसमें भी बात करेंगे किसी हूरों का। एक मुझे टॉपिक करना है, मतलब मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। ये मैं जरूर एक दिन टॉपिक बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, हम ये हूरे हम करेंगे। तो मतलब ये औरतों के साथ बड़ी जाती है, और औरतें इस बात पे कहती हैं कि भाई ये आदमी इस बात के में बड़ी ताने देते रहे, जनरल में तो हमें हूरे मिलेंगी। मगर वो हूरे जो होंगी वो वही होंगी जो आपके साथ आपकी जिंदगी में शरीक हयात थी। जरूरी है नहीं, ये भी लोगों ने पूछा। इस पे फिर कभी बात करेंगे, वरना मौजूद सवाल कर रही हूँ। हम करेंगे जहीरा फ्रॉम कराची, साथ में शाहजेब जो कराची में रहते हैं, उनको नैंडो से गिफ्ट वाउचर। और ये देखिए रमजान खत्म होने वाला, किसी ने इफ्तारी पे भी नहीं बुलाया अभी तक। नाल से शाह तो आप भी ले लो यार इफ्तारी लाहौर से, ऐसा कुछ ज्यादा वाली इफ्तारी देना चार पांच लोगों की। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, हिरा फ्रॉम कराची, कैसे हैं आप? रमजान करीम, बस हिरा सॉरी क्या कह रही हैं? बहुत शुक्रिया। बस अभी ब्रेक के बाद हम आपको ये गाना दिखाएंगे भी, इसकी आधी तकरीबन वीडियो तैयार है, वो देखिएगा, लेकिन गाना सुनिएगा पूरा। और इसमें पांच सिंगर्स ने गाया है, फिर आप जरूर बताइएगा हीरा कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, क्या सवाल है आपका इसके अलावा? जी डॉक्टर, ऐसे मेरा सवाल था, आज के जो हालात है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। सो भी तो बस और में भी वही सब कुछ नजर आता है, हर वक्त दिल बुरा होता रहता है, तो उसी की कोई थेरेपी बताएं कुछ। डॉक्टर साहब अगर अहिरा आपको पता तो मैं तो आपसे पूछने लगी थी कि आपके पास कोई इलाज है बताएं। जी डॉक्टर साहब डिप्रेशन बड़ी, हालात बुरे हैं, तो वही बात कर रहे थे कि यार कोई किसी को काटने का दौड़ है, फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है। डिप्रेशन पे भी करेंगे, असल में मैं ही चाह रहा हूँ कि हम मौजू को लेकर चलें और हमारा सेगमेंट जो है वो फोकस करें उस मौजू पे। आने वाले दिनों में डिप्रेशन से एंगर पे हमने किया था, डिप्रेशन पे करेंगे, डिप्रेशन से फौरन निकलने का तरीका वक्ती तौर पर, और फिर आगे जाके डिप्रेशन का क्या है, डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना वगैरह, उस पर हम बात करेंगे। डेफिनेटली हमारी पाइपलाइन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हमने आउटलाइन कर लिए। मैं इसको खत्म करना चाहूंगा क्योंकि जाहिर है नेक्स्ट हमारा सेगमेंट शुरू होगा इसके बाद। बताना ये था, समझे मेहरबानी करके, आई विश हम मुसलमान इस बात को समझते, खुदा ताला ने हमें जब पैदा किया, जरा सा रिफ्लेक्ट करें बाजी में जाए, तो उसने मट्टी का पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर उसने अपनी रूह की रमक डाली। अल्लाह ने कोई ऐसी चीज इंसान में डाली है कि जिसकी वजह से फरिश्तों ने सजदा किया इंसान को, किसी और को नहीं किया। अब इंसान किसी भी मजहब का हो, इंसान अगर है तो उसमें खुदा की वो डाली हुई चीज मौजूद है, इसे आप रूह कह लें, जो भी कह लें आप। अब उस इंसान को जिसको खुदा ने खल्क किया और जिसको अपना खलीफा बनाया और जो उस नस्ल से है कि जो नबी था, सबसे पहले इंसान जो इस धरती पे आए हजरत आदम अलैहि सलाम थे, हम सब उसकी औलाद हैं। जो नबी की औलाद क्या होती है? नबी ज्यादा होती है। तो क्या नबी की औलाद या ये इंसान जिसको परवरदिगार ने खलीफा बनाया, क्या ये जहन्नम में जाएगा? नहीं। मेरा अपना ईमान और मेरा अपना अकीदा यह है कि इंसान को खुदा ने जहन्नम में डालने के लिए पैदा नहीं किया, उसे जन्नत के लिए पैदा किया है। सारे इंसान तो नहीं, सारे नहीं, सुने सिर्फ अब ये फिर बहस अभी ना करें, अभी अब मैं आज के वक्तों के नाम मैं अगर खोलूंगा तो बहुत टाइम, बड़े बड़े नाम है कुछ, मैं समझाऊंगा, श्योर बता सकती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट क्लास टिकट टू हेल, आप भी नाम आगे होंगे, पहला नाम है, दूसरा नाम है। इसके लिए थोड़ा सा या तो इंतजार करें, फिर हमें उसमें समझाना पड़ेगा। इवेंचुअली बड़े बड़े इंसान जो है, इवेंचुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, इवेंचुअली हर इंसान जो है वो खल्क किया गया था या किया गया है परवरदिगार ने जन्नत के लिए। हमें एक रोड मैप दिया है, ये रोड मैप है, रास्ते में ये साइंस आएंगे, यहां रुकना है और वो तुम्हारी मंजिल है, इस रास्ते पे चलते हुए जाना, तुम मंजिल को पालोगे। अब जो रुक जाए रास्ते में, भटक जाए, वो मंजिल को नहीं पहुंचेगा। ये बात आप कर रही हैं। अच्छा, हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमें बताया गया है उस पर अमल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। और जहन में ये समझ लें कि अगर जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो यू हैव टू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जो शख्स प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता उसके लिए ये दुनिया भी जहन्नम है। अब आप सोचें, महंगा तरीन बिस्तर आपके पास है, बाहर सारे खड़े हैं आपके पास आर्म गार्ड्स रखे हुए, मगर आपको यह फिक्र है रात को कि सोते हुए आपको कोई कत्ल ना कर दे,
कोई खुदकुश हमला ना हो जाए आपकी गाड़ी पर, तो फिर आपकी जिंदगी जहन्नम की है। आप जब खाना खाते हैं आपको ये नहीं पता कि इस खाने में जहर तो नहीं होगा, तो पहले कोई और खाना खाता है, चखता है आपका खाना, ठीक है। तो कैसी जिंदगी है? जिस जिंदगी में इंसान को आजादी मुयसर ना हो वो जिंदगी कैद की है, तो वो जिंदगी जहन्नम है उसके लिए। इसी तरह इंसान जब जलता है, कुड़ता है, हसद करता है किसी से, किसी का अच्छा देखता है, गुस्सा उसको आता है, कुछ नहीं हो सकता ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, तो फिर वो जहन्नम है उसके लिए। तो अब ये कैफियत हमें इस दुनिया में समझनी है। और मेरे एक टीचर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने पूछा मुझे एक जुमला बताओ जो शायद मेरी जिंदगी में रहनुमाई कर सके, व्हाट इज वन थिंग दैट यू वांट टू टेल मी। उसने कहा लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात की। अब बस उस घड़ी का इंतजार बड़े लोगों को था कि जी जो हम लोगों ने थीम सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया है पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए, वो हम आपको ब्रेक के बाद सुनाने जा रहे हैं। और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे स्ट्रिंग्स भी, स्ट्रिंग ग्रुप भी, फैसल और बिलाल, और उनसे भी इनका हम ओपिनियन लेंगे कि उनको हमारी एक प्यारी सी कोशिश कैसी लगी। सी यू आफ्टर द ब्रेक। एहलन वसहलन, रमदान करीम। दिमाग की बत्ती का सवाल ये है कि जियो पे सर रिसेंटली मेरा कौन सा ड्रामा चल रहा है? मैं खुशबू कुर्बान, तनवीर फातिमा बीए, दाम।